अब तक इस हिंसा के पीछे दावा किया जा रहा था कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प ने मणिपुर को जला दिया, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो आपको चौंका सकता है। इस हिंसा को भी पालने पोसने वाले कोई और नहीं, खालिस्तानी आतंकियों का समूह है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट ये खुलासा करता है। दरअसल नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के चीफ और कुकी नेता लीन गांगटे ने मणिपुर हिंसा पर जहर उगला था, जिसमें उन्होंने सैकड़ों चर्चों को जलाने और पुलिस पर दंगाइयों के प्रोत्साहन का आरोप भी लगाया था। सवाल ये नहीं कि लीन गांगटे ने बयान क्या दिया, सवाल ये है कि लीन गांगटे ने ये बयान कहां दिया, जिसका जवाब दूध का दूध और पानी का पानी करता है। और ये ही अहम कड़ी भी है कि लीन गांगटे भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजरों में चढ़ गए हैं, क्योंकि अगस्त की शुरुआत में लीन गांगटे ने कनाडा के सर्रे शहर के उसी गुरुद्वारे में मणिपुर हिंसा पर जहर उगला था, जिसके बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। NAMTA की ओर से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इतना ही नहीं, लीन गांगटे के भाषण के बाद NAMTA के सदस्यों और खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थकों के बीच खुफिया बैठक भी हुई थी, लेकर खालिस्तानी टाइगर फोर्स की सरगना की हत्या का आरोप भारत पर मरने के बाद भारत पर मढ़ा जाने लगा, तो NAMTA संगठन ने चुप्पी साधी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। चंद दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकियों की बंद कमरे में ISI के साथ बैठक हुई थी। दूसरी ओर लीन गांगटे की 7 अगस्त को बंद कमरे में खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक एक बड़ा इशारा कर रही है कि ये विदेशी सरजमी पर भारत को दहलाने की साजिश बड़े स्तर पर रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBNet। तो जिस तरह से मणिपुर हिंसा के पीछे अब खालिस्तानी संबंध सामने आया है, ये वाकई ही बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। पूर्व IPS ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी मेरे साथ में हैं और साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन BN झा। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है AMB नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत BN झा आप ही के साथ में करूंगी। आखिरकार जिस तरीके से देखा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर 5 महीने बीत चुके हैं और अब नया कनेक्शन, एक तरफ भारत और कनाडा को लेकर इतना विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ अब खालिस्तानी समर्थन भी इसमें सामने आ चुका है, यानी कि पूरे तरीके से हिंसा को लेकर, क्या कुछ कहना आपका इस पर? बहुत सरप्राइज नहीं हूं। देखिए, आज के दिन में जितने भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो सब रिग्रुप होने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ भी उनको मौका मिलता है भारत को नीचा दिखाने का या भारत को क्षति पहुँचाने का, वो ये चीज़ करेंगे। और ये हम इसके लिए आपको नानटा में नहीं जाना होगा, आप अपने ही देश में देख लीजिए। आज के दिन हमारे ही देश में एक नया रावण पैदा हुआ है जिसके 26 सिर हैं, और वो 26 सिर से अब चाहे कोई झूठ उगलता हो, चाहे एंटी इंडिया कैंपेन चलाता हो, ये सब कुछ यहीं पे हो रहा है। और उनका एक और चीज याद कीजिए, जिन दिनों में मणिपुर जलना शुरू हुआ था उन दिनों में हमारे ही इसी 26 सिर वाले रावण जो हैं, इसमें से कुछ लोग क्या कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो जो चर्च को वहाँ क्षति पहुंचा रहे हो या चर्च को आप क्यों ऑपरेस कर रहे हो। याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज से लगभग 10 साल पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे RPN सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि उस दिन में, ये 27 अगस्त 2013 की बात है, उन दिनों में मणिपुर में 34 टेररिस्ट ग्रुप सक्रिय थे, जिसमें से 6 ऑलरेडी प्रोस्क्राइब थे, बैंड थे। तो ये चीजें उन्हीं दिनों से चली आ रही है। याद कीजिए कांग्रेस के उन काले दिनों को जो मणिपुर में उन्होंने दिया था। मणिपुर में ड्रग की समस्या है, मणिपुर में जाति हिंसा की समस्या है, मणिपुर में टेररिज्म की समस्या है, मणिपुर के जो
जो जो मेजोरिटेरियन है मैथी, ये उन दिनों में लगभग 66% से, और इनके पास में सिर्फ 19% जमीन है। ये इस तरह का जो जो एक बिल्कुल दिखा, मतलब बिल्कुल ग्लेयरिंग जो पार्टिसन अप्रोच रहा है मणिपुर में, चाहे वो मैथी के खिलाफ हो, या फिर आप वो भी चीज याद कीजिए कि मणिपुर में उन दिनों में दीवार पे, गवर्नमेंट ऑफिस के दीवार पे महात्मा गांधी का तस्वीर लगाना बैन था। और ये बैन किसने किया था? यही कुकी के जो डिफरेंट फ्रंट्स हैं, कुकी के आज के दिनों में लगभग 12 फ्रंट्स ऐसे हैं जो वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी में हैं। और ये सिर्फ कुकी की बात नहीं है, कुकी, जॉम्बी और वहां के चर्च भी। कहने में बुरा लगता है, चर्च का काम है लोगों को संभालना, लोगों को दिशा दिखाना, बिल्कुल लेकिन वहां के जो चर्च हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो जो जो क्रिश्चियन, प्रो क्रिश्चियन जो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको प्रोत्साहन देने में, या फिर वहां पे एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट चल रहा है जिसके लेकिन कि बीएन जिसके झा, ऊपर में कि क्या जो क्या अब मोदी सरकार विदेशों से भी जो फंडिंग है वो मणिपुर में हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से हथियार तक के तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, तो क्या अब जो फंडिंग है इस पूरी हिंसा के पीछे विदेशों से फंडिंग हो रही है? देखिए, विदेशों से फंडिंग तो इसके बहुत पहले से हो रही है। मतलब पीएलए क्या है? पीएलए एक सक्रिय एक्टिव ग्रुप वहां पे है, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ये चाइना से डायरेक्ट लिंक इसका है, चाइना से उसको बंदूक हथियारें आती हैं। चाइना के ही कुछ ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे, जो म्यांमार है, पूर्वी म्यांमार में, उत्तरी म्यांमार में, यहाँ पे उनको ये वेपन्स सप्लाई करते हैं, और वही म्यांमार के कुछ ग्रुप्स जो हैं यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे ड्रग का धंधा करते हैं, यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन करते हैं, और यहीं पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा ग्रुप जो अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा था, हमारी आंखों के सामने नहीं आ रहा था, वो था रोहिंग्या से लिंक कुछ ग्रुप। इस रोहिंग्या से लिंक ग्रुप में इस्लामिक एजेंसीज भी हैं, और इसमें पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो भी कहीं ना कहीं लिंक है। पाकिस्तान का आईएसआई का एक और लिंक है, वो है चाइना और खालिस्तान। खालिस्तान आज के दिनों में जो पनाह लिए हुए है, चाहे कनाडा में हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, या जहां कहीं भी ब्रिटेन में हो, इनको आईएसआई से डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट इनको फंडिंग होती है। तो ये सब जो एक साठ गांठ वहां पे चल रही है, ये बहुत ही घृणित है, कहने में बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक और चीज याद रखिए, आज के दिन में हमारे भारत में ही खालिस्तान को प्रोत्साहन देने वाला एक ग्रुप है, उस पे भी नजर रखिए, और वो हमारे पंजाब में ही है। बिल्कुल, तो क्योंकि ये सब पंजाब का लोग बड़ा जो हिस्सा हैं है। हाँ कहीं न कहीं एक नेक्सस बनाए हुए हैं, और इस नेक्सस में जैसे आग में घी देने का काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, वो ये लोग भी कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन में खालिस्तानी एंगल मणिपुर में जो है वो बिल्कुल छोटा सा, मुट्ठी भर एक कह सकते हैं, अब वो बहुत छोटा सा ग्रुप है जो कि जिसको हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तब एक नेक्सस खड़ा होता है, और उस नेक्सस की ताकत कुछ ज्यादा होती ज्यादा है। होती है। पंकज, बिल्कुल आप ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से 5 महीने से हिंसा है वहां पर, हिंसा भड़क रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कहा जाता है कि हिंसा पर पूरी तरीके से लगाम है, लेकिन धीरे धीरे हत्याओं की खबरें भी सामने आती हैं। अगर बीते कुछ समय की बात करें तो एक जवान को भी छुट्टी काटने के लिए वहां पर गया था, घर पर गया था छुट्टी मनाने के लिए, उस दौरान भी हत्या कर दी जाती है। 5 महीने हो चुके हैं। स्टेट इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, हथियार भी खालिस्तान की तरफ से बरामद कराए जा रहे हैं, उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, क्या इस दौरान कहां पर फेलियर नजर आया प्रशासन? कहां पर ये जो चीजें हैं वो प्रशासन के हाथों से निकली हैं? क्वेश्चन है आपका, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए झा साहब ने बहुत कुछ तफसील से हर बातें बता दी हैं। कुछ एंगल ऐसे हैं जिस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखनी पड़ेगी, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराने के लिए हमारे अगल बगल के जितने भी देश हैं वो आमादा है कि किसी तरीके से इनको मजबूत करके भारत में अस्थिरता फैलाते रहे, और भारत को मजबूत ना होने दें। जहां सामने चाइना का नाम लिया, बिल्कुल लिया, सही लिया, कोई गलत नहीं लिया, लेकिन मणिपुर के लोगों को ये नहीं मालूम। अगर वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में है लेके रहेंगे आजादी ना, तो एक बार में ड्रैगन खा जाएगा, पता नहीं चलेगा इनका।
ड्रैगन को जान नहीं रहे अभी, ड्रैगन का इतिहास ढंग से पढ़ लें ये लोग, और आईएसआई को और अभी ये लोग भी अभी समझ नहीं रहे हैं। वो जिसे अपनी गोद में बैठाते हैं पहले उसी को कत्ल कर देते हैं पूरा होने के बाद। तो खालिस्तानियों को तो खास तौर से समझ लेना चाहिए कि वो लोग हैं जिन्होंने इनको कभी भी पनपने न देने का मौका दिया। आप 15वीं शताब्दी से लेके आज तक का इतिहास में वो अपने पहले इतिहास को पढ़ लें, इन पर भरोसा न करें। खालिस्तानी, आईएसआई, चाइना, रोहिंग्या, आपको मालूम हमारा देश कैसे घिरा हुआ है? बांग्लादेशी आए हैं वो भी हमारे देश को, जो आए शरणार्थी बन के बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, शरणार्थी की तरह रहेंगे नहीं, रोहिंग्या को देख ही रहे हैं, मैतेई कुकीज को देख रहे हैं। इसमें एक एंगल में आउट होना चाहता हूँ, आरक्षण और धर्म, भारत की बड़ी विविधता है, भारत में बड़ी विविधता, धर्म के बड़ी छूट है, तो धर्म पर लड़ाई किसकी हो रही है? क्या अंकुश है आपका धर्म पर? क्या नियंत्रण है आपका धर्म पे? कितनी छूट देंगे आप धर्म को? किसको किसको देंगे झूठ आप धर्म को? धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। बात नंबर दो, आरक्षण, इन्हें भी आरक्षण चाहिए, उन्हें किस चीज के लिए आरक्षण चाहिए पूछिए जरा। सारे लोगों जो आरक्षण मांग रहे हैं, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी या सारे मुख्यमंत्री, लेकिन वो तो संवैधानिक, ज्ञान प्रकाश जी, वो तो संवैधानिक है ना, जिस चीज की मांग उठ रही है वो संवैधानिक है। आरक्षण किस चीज के लिए चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। सरकारी नौकरी के लिए, पंकज जी, सरकारी नौकरी के लिए, और सरकारी नौकरी इस देश में है कितनी? दिमाग नहीं है क्या किसी के पास? कितनी है? हम तो कह रहे हैं पूरे भारत में सारे लोगों को आरक्षण दे दो, तो कितनी नौकरी बची? मेरा भाई तो नौकरी पाएगा ना, वो चाहे किसी भी जाति का होगा, मेरा भाई तो पाएगा, मेरे धर्म जाति देश का ही तो लोग पाएगा, तो आरक्षण की दे दो, समाधान हो जाएगा। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, जहां पर भी हिंसा होती है वहां का प्रशासन या इंटेलिजेंस की अगर बात करें, विदेशों से कोई भी सामान अगर भारत में आ रहा है तो उस पर तो निगरानी रखी जाती है। देखिए, लोकल इंटेलिजेंस नहीं, सारी एजेंसियां फेल्योर हैं, क्योंकि चूहा जो है बहुत ढंग से बिल बना करके अपना सामान पहुंचा दे रहा, हम चूहे को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम बैठे हैं, वही कहां पर चूक हो रही है? चूक हो रही, हमारी खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल हो जा रहे हैं ना। हम शेर रेग हम पकड़े बैठे हैं, जंगल में शेर आएगा, शेर को गोली मार देंगे, वो तो चूहा लेकर के आ रहा सामान ना, चूहे में हमारा जाने नहीं जाता। लेकिन चूहे के लिए जाल तो बिछाना होता है ना ज्ञान प्रकाश जी? बिल्कुल बिछाना पड़ेगा। हाँ। कहाँ, इसीलिए तो बिछाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं बिछाएंगे तो हम शेर शेर करते रहेंगे, चूहा खुद को शेर समझने की कोशिश करेगा, पूरी बिल्डिंग को गिरा देगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। एकदम है, हर जगह, हर बिंदु पे, हर सीमा पे, हर बॉर्डर पे है, ये ध्यान देना पड़ेगा। यानी हमें अपनी नीति, अपनी खुफिया नीति को थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमें बाहर के लोगों को भी अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, वहां के लोगों अपने एजेंसी को, अपने एजेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये चूहों पे और ये छोटे छोटे जंतु जो चले आ रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या प्रयास है, वो कौन सी एजेंसी उनको समर्थन दे रही है, वो कौन से ऐसे पॉइंट, उन्होंने देखिए पॉइंट चिन्हित होते हैं किस जगह से यहाँ भेजा जाएगा, वो चिन्हित करना पड़ेगा। और बड़े पुरजोर तरीके से, जैसे जयशंकर जी इस समय कर रहे हैं, कनाडा से अपना बात की ना उन्होंने, बड़े दबाव देकर के बहुत ढंग से बात की। हर राष्ट्र के लोगों से भारत के लोगों को बात करना पड़ेगा कि आप मेरे यहाँ अस्थिरता ना फैलाइए, आपको दिक्कत है क्या भाई? लेकिन आपको क्या आनंद आ रहा है? लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, खालिस्तान की अगर बात की जाए, आईएसआई का तो सीधा क्लियर समझ में आता है, वो तो सीधा आतंकी। खालिस्तान की बात की जाए, दिल्ली में मेट्रो पर वो लोग कुछ भी लिख देते हैं, कहीं पर भी कोई भी स्लोगन लिख देते हैं, भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख देते हैं, उन चीजों पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक किस तरीके से हम समझ पाएंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। हाथ लिख रहा है हाथ, दिमाग और कहीं है, अटैक दिमाग पे करना पड़ेगा। बड़ी गरीबी है, किसी को कुछ पैसा दीजिए लिख देगा वो, ठीक, यहाँ अटैक करना पड़ेगा, वो कहाँ बैठा हुआ है? तो उसके लिए किस तरीके से, दिमाग पर करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? पहली बात तो हमें जागरूक करना पड़े अपने लोगों को कि खालिस्तान क्या भाई, पंजाब क्या कम है, क्या आपका प्रधानमंत्री, आपका मुख्यमंत्री वहां बैठा है, आपके लोगों का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसके पहले आपके पंजाब को और क्या विकास चाहिए, कौन सा, यानी कि पूरी तरीके से प्रशासन की अगर फेलियर की बात की जाए तो उस पर सरकार का पूरी तरीके से एक हाथ समझा जाए, कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से शिकंजा कसना नहीं चाहती, यही आरोप है आपका? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। अगर वो बिल्कुल मन बना ले ना, हम अगर देखिए कोई भी सरकार अगर मन बना लेगी कि हम ये नहीं होने देंगे, आप विश्वास मानिए नहीं हो पाएगा, कोई नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं किसी की करने की। बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक छोटी सी बात, यहाँ पर वोट तंत्र हावी है प्रजातंत्र के ऊपर,
क्लियर हो गई ना मेरी बात, वोटर संतराहादी है प्रजातंत्र के ऊपर और उसी की आड़ में ये सब चल रहा है। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए ना सामने, तभी तो सारे लोग ढीले पड़ जा रहे हैं। हाँ बीएन झा जी, जिस तरीके से अंदर ही इस तरीके की रणनीति चल रही है, इस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से ज्ञान प्रकाश जी भी कह रहे हैं, इसको किस तरीके से कम किया जाए, अंदर जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से काम करे और बेहतर काम करे, क्योंकि अगर बूंद बूंद से घड़ा भरा तो बहुत ही खतरनाक होगा। देखिए आज के दिन में देश में जो भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का एक हाथ है, क्योंकि आज के दिन में विश्व कहती है कि भारत में प्रजातंत्र बिल्कुल एकदम खुली हुई है। अगर आपको प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल चाहिए तो नई दिल्ली चले जाओ, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा खुली छूट दे रखी है, क्योंकि इतनी जो छूट इन लोगों को है, जैसे खालिस्तानियों को, आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गणतंत्र दिवस परेड हो रहा था उसके बाद में क्या क्या हुआ था, हमने देखा है बिल्कुल। ये हमने बार बार ऐसे चीजें देखी है, किसान आंदोलन था उसमें खुला हाथ जो खालिस्तानियों का था वो था। अब ये सब चीज तो हम समझते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो जो एक नैरेटिव फैलाने वाले हैं, जो कहते हैं कि आपको किसान नहीं दिखता है, किसानों में आपको खालिस्तानी दिखता है, तो खालिस्तानी तो वहां पे हैं, वो वहां पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे विपक्षों को किसान दिखता है, जो कि किसान किसी भी तरह से नहीं था। इनको हर तरह की गतिविधियां वहां पे क्रिएट करने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से प्रोत्साहन आ रहा है, बाहर से सब चीजें आ रही है। तो ये चीज तो है जो कि हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पंकज, ये जो डेमोक्रेसी है इसके नाम पे आप एक लिमिट तक लोगों को आजादी दे सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करने दिया जाए। और वही जो एक लक्ष्मण रेखा जो है डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं शिथिल पड़ रही है। आज के दिन में लोग एक फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं और उसके द्वारा मतलब अपने ही सरकार को, जो देश के लिए आज तक जो स्वतंत्रता के पश्चात जितने 75 साल हुए हैं उसमें से सबसे स्वर्णिम पीरियड है अभी, जबकि देश का विकास हो रहा है, यहाँ के लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे हम इसको किसी भी तरह से ह्रास होने के लिए बिल्कुल, क्योंकि बीएन झा जिस तरीके से G20 का सम्मेलन हुआ, तमाम मेहमान यहाँ पर आए दूसरे देशों से, उन्होंने भी देखा कि भारत जो है अब वैश्विक स्थिति में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात चाइना की करें या पाकिस्तान की करें, तो जो समर्थन मिल रहा है खालिस्तान को, क्या इसमें चीन की कोई चाल नजर आती है? क्योंकि जब तक आप घर नहीं तोड़ेंगे तब तक आप घर की सीमाओं पर भी कब्जा नहीं कर सकते। देखिए चीन का हाथ अभी से नहीं है, ये तो उन्हीं दिनों से है। मतलब चीन आज से लगभग जब 1969 में ये जो नक्सल जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद से ही चीन का कहीं ना कहीं प्रभाव आया हुआ है, और चीन उन्हीं दिनों से भारत को क्षति पहुंचा रहा है। पंकज जी आज के दिन में जो आप नक्सली गतिविधियां देखते हैं, आप माओइस्ट गतिविधियां देखते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे और कहीं हो, आखिर इसके सूत्रधार कौन हैं? इसके फंड्स कहां से आते हैं? इसके वेपन कहां से आते हैं? इनके पास में आरपीजी रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड ये सब ऐसे हथियार हैं, तो ये कहां से आते हैं? ऑब्वियसली चीन का एक एंगल है, और इसमें सिर्फ वो जो कुछ माओइस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ऑन द सरफेस ये जो नक्सल अर्बन नक्सल्स हैं ये हैं, और आज के दिन में अगर कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे के पूरे घेरे में ना लिया जाए तो ये हमारी फेलियर होगी। हम जानते हैं इससे कुछ कम्युनिस्ट नेता जो हैं वो थोड़े से नाराज होंगे, लेकिन उनका भी हाथ है इसमें, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। वो इनको ये जो पूरे जो ग्रुप है नक्सलाइट्स की, जिसमें से कि आधे ग्रुप यहाँ मणिपुर में भी एक्टिव है, ये सबों का इसमें हाथ है, और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये बेमनस्कता होगी हमारी। बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, एक जो नमटा नाम से जो संगठन चल रहा है कनाडा में, जिसका सरगना लिन गैंगटे है, अगर अब जिस तरीके से एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है खालिस्तानियों के खिलाफ में, उनके घरों पे कार्रवाई की जा रही है, अब जब वहां पर इस तरीके की गतिविधि होती है कि गुरुद्वारे में भारत को लेकर या खालिस्तानियों की तरफ से तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, क्या उस दौरान अगर इस चीज को समझ लिया जाता तो क्या आज ऐसी स्थिति होती मणिपुर के अंदर?
समझ में आ गई थी बात, ऐसा नहीं है, समझ में आ गई थी, कदम उठाने में विलंब हुआ। ये सबके मन में ये रहता है कि चीजें संभल जाएंगी और आदमी का मन बदल जाएगा, नेताओं का मन बदल जाएगा, राष्ट्रहित में, देश हित में, जनहित में, प्रजातंत्र के हित में ये सोचेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, जिसकी गोद में जाके बैठे हैं और जाके वहां प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे, जिनसे पैसा ले रहे हैं, जिनसे समर्थन लेकर के यहाँ आग फैला रहे हैं, आग जला रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ये हमें ही समझ में थोड़ा सा विलंब हो गया। ये पक्का ये मानना पड़ेगा, हमारी विदेश नीति में थोड़ी सी चूक हुई, हमारी सुरक्षा नीति में थोड़ी चूक हुई, हमारी खुफिया तंत्र में थोड़ी सी चूक, लेकिन ये थोड़ी चूक जो होती है ना, ये जमीन पर बहुत बड़ी होती है। अगर गोली, आप तो सेना में है, हम भी पुलिस अफसर है, अगर गोली .001 मिलीमीटर भी अपने टारगेट से हट जाए तो 1 किलोमीटर जाके उसका दायरा बहुत दूर हो जाता है। यानी एक बहुत बड़ा ट्रेजेक्ट्री सिस्टम बना, उस ट्रेजेक्ट्री के शिकार हो गया पूरा, ये हमारा सिस्टम पूरा शिकार हो गया, ये चूक कर गए। अब चूक को करना क्या है, चूक जो गड्ढा हो गया है उस गड्ढे को भरना है, समतल करना है, वहां पर अच्छी फसल लगानी है, शांति की फसल। कितना बड़ा काम हो गया, तो पहले जरा सा पहले दबा देना था, जो झाड़ झंखाड़ निकल रहे तुमको काट के किनारे कर देना चाहिए, औषध डाल देना, ये चूक कर गए तो काम बढ़ गया। काम बढ़ गया तो आप देखिए वहां पर विकास रुक गया, ये चाइना चाहता है। देखिए ये लड़ाई मूल रूप से एक बात समझिएगा, ये केवल और केवल आर्थिक लड़ाई है, केवल आर्थिक लड़ाई है। चाइना को मालूम है भारत एक शक्ति बन रहा, आर्थिक रूप से उसे पहले पता था, वो 1959 में जान चुका था ये शक्ति बनेगा, तो इसको डिस्टर्ब करो, आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, और पाकिस्तान, भाई आप बताइए पाकिस्तान को क्या साथ दे रहे हैं, कि पाकिस्तान को डाल दो, यहाँ पर बम फैला दो, आतंक फैला दो, इनका विकास ही नहीं होगा। आप बताइए इसके बावजूद भी हमारा, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से घुमाया है चाइना ने, अब ऐसा लगता है कि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी वर्चस्व है उस पर भी चाइना पूरी तरीके से हावी होना चाहता है, अंदरूनी तरीके से तोड़ना चाहता है। देखिए एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना, उसको एक तरीके से अपना दत्तक पुत्र बना रखा है चाइना, कि हर गलत, ये समझिए कि ये राष्ट्र बन गए हैं, वो दुर्योधन बन गए, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अंत क्या होगा। अभी चाइना को देखिए, चाइना माने ना माने, पाकिस्तान माने ना न माने, एक सत्ता ऊपर है वो सारी चीजों को देख रही होती है। हम भारतीय मन के बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत सच्चे होते हैं, हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, हम सबका सम्मान, सबकी इज्जत, हम सर्वधर्म विकास संभाव के लोग हैं, हम हर जगह शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सारे देशों का चाहते हैं, लेकिन जो हमारा बुरा करेगा, आप देखिए सारे देश, वो देश जो हमारा साथ नहीं देते थे इस मुद्दे पर, निर्झर के मुद्दे पर, सारे लोगों ने भारत का साथ दिया, बिल्कुल, कि नहीं भारत के साथ है, ये विकसित राष्ट्र है, ये विकास कर रहा है, क्योंकि हमारी जन की शक्ति, हमारे जन की शक्ति, हमारे विज्ञान की शक्ति, हमारी सेना की शक्ति को कहां ले जाएंगे, ये क्या करेंगे बताइए, हमारी सेना बैरकों में बैठ जाएगी कमजोर, कैन यू बिलीव, हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है सेना ने। पंकज जी, हमारे सिख रेजिमेंट का एक जवान पूरे खालिस्तानियों में भारी पड़ जाएगा, छूट दे के देख लें, एक जवान सिख हमारा, सिख रेजिमेंट का, क्या बात कर रही है, क्या करेंगे, राजनीतिक पटल है, सब खेलना है, खेलने दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा हमारा जवान खड़ा हो जाएगा, ये भाग खड़े होंगे। ठीक है, बीएन झा जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए दो तीन चीजें हैं, एक तो जो ये खालिस्तान का बुखार, कुछ जो आईएसआई समर्थक सिख हैं इनके ऊपर में छा रहा है, इनको तोड़ना पड़ेगा, उनको ये चीज याद दिलाना पड़ेगी कि खालिस्तान भारत के अंदर तो संभव नहीं है, लेकिन वो खालिस्तान जो कि लाहौर में हुआ करता था, वो देखिए पाकिस्तान आज नहीं तो कल 4 टुकड़ों में बंटने वाला है, तो बेहतर है कि उसको 5 टुकड़े में बांटे और वो 5वां टुकड़ा खालिस्तान लाहौर की तरफ में हो, क्योंकि सिखों का भविष्य पाकिस्तानियों के अंदर में बिल्कुल डार्क है। आप जानते हैं हर दूसरे दिन में वहां पे सिख के ग्रंथि के लड़कियों को, उनकी औरतों को उठा लिया जाता है एकदम सरेआम। तो ये जो चीज है ये यहाँ के सिख जानते हैं कि उनका भविष्य पाकिस्तानियों के अंदर में नहीं है, इसलिए अगर खालिस्तान अगर बनना है तो 5वां टुकड़ा जो पाकिस्तान का टूटेगा वो 5वां टुकड़ा खालिस्तान शायद बन सकता है, उसके ऊपर मत ध्यान दें। दूसरी कि सिखों का इंटरेस्ट पाकिस्तानियों के अंदर में, जिहादियों के अंदर में और आईएसआई के अंदर में कभी सुरक्षित नहीं है। आज के दिन में वो चाहे वो जिस भी तरह का दोस्ती दिखा लें, कल को वो फिर अपना जो हाथ है झटक के फिर उन्हीं सिखों के बहु बेटियों के ऊपर में वो हाथ डालेंगे। तीसरी चीज,
अगेंस्ट में आखिर आज के दिन का जो सरकार है भारत में, ये सिखों के लिए क्या नहीं कर रहा है? सब कुछ किया हुआ है, यहाँ तक के जो एक एट्रोसिटीज हुई थी सिख के 1984 में, उसमें भी जो कुछ लोग बच गए थे उनको ट्रायल करके उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। तो आज के दिन की सरकार काफी संजीदा और समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिये, जिस तरीके से अगर बात की जाए, मणिपुर में हिंसा भड़क रही है और अब इस जो हिंसा भड़की है इसके पीछे अब एक नया पहलू निकल कर आया है कि खालिस्तान का पूरी तरीके से इस पर असर है, क्योंकि कुकी समाज के एक जो नेता है वो कनाडा में रहते हैं और उनकी तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आया उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो जाहिर सी बात है कि अब तस्वीरें धीरे धीरे जो खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ एनआईए जो है वो खालिस्तानियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार उनको लेकर शिकंजा कस रही है, अब दूसरी तरफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है अब उसी को लेकर अब इस तरीके के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस एंगल में और कौन कौन से एंगल जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।